दोस्तों, क्या बिग बॉस ओटीटी 3 भी बिग बॉस 17 की तरह फ्लॉप होगा? बिग बॉस 17 हालांकि फ्लॉप तो नहीं हुआ, क्योंकि मुनावर की जनता थी, इसीलिए मुनावर की जनता ने शो फिर भी शो को देखा है। मुनावर हो, यूके राइडर हो, यूट्यूबर कौन कौन आए थे? मुनावर और यूके राइडर और अभिषेक, ना ये तीन के ही चैनल थे यूट्यूब में। मनारा का भी था शायद चैनल पर। तो देखा जाए तो बिग बॉस 17 जो है, लोगों ने तीन लोगों के जो तीन लोगों के फैन फॉलोइंग थे, यूके राइडर, मुनावर और अभिषेक, इन तीनों के यूट्यूब चैनल थे। तो ट्रैफिक जो है इसका ज़्यादा आया 17 में, बिग बॉस 17 में, है ना। और अभिषेक का जो है यूट्यूब चैनल है, एक बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता था अभिषेक के यूट्यूब चैनल है, मैंने बाद में देखा कि उसका तो भाई बहुत ह्यूज लेवल का यूट्यूब है उसका, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इन तीनों की वजह से ट्रैफिक आया। अब दोस्तों, अगर अभी जियो सिनेमा को ट्रैफिक चाहिए बिग बॉस में, मतलब फैन देखे जो चाहते हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया वालों को भी बुलाना पड़ेगा, यूट्यूब वालों को, ये तो तय है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बुलाने के चक्कर में फिर से शो ना फ्लॉप हो जाए, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो वाले हैं ना, यूट्यूबर, वो लोग घर के अंदर जाते तो है पर वो लोग गेम नहीं खेलते हैं, मतलब वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और बाहर से फैंस का वेट करते हैं कि वो लोग वोट करेंगे, हम आराम से जीत जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे घर में, ना ही झगड़ा करेंगे, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ना ही स्टैंड लेंगे, ना ही किसी के लिए खेलेंगे, ना ही वो कुछ करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे बस, है ना। ये करके तो हुआ है ना, ये करके बहुत सारा बिग बॉस 17 भी हुआ है ना। बहुत लोग ऐसे बिग बॉस 17 में, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही फिनाले में पहुंचे। मैं अभिषेक मुनावर का बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और भी लोग हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, और सच बोलूँ तो कुछ नहीं किया उन लोगों ने दोस्तों। और अभी जो नाम आ रहे हैं कि कौन आएगा नेक्स्ट, अभी नाम बहुत आ रहे हैं दोस्तों। सुरभि ज्योति का आ रहा है, जिशान खान का आ रहा है, शिजान खान का आ रहा है, फलक का भाई जो है, फलकनाश का भाई, फिर वो लक्ष्य चौधरी का आ रहा है, किस किस के आ रहा है अभी और भी ज़्यादा है, और एक मैंने बताया था थगेश जो है बहुत बड़े यूट्यूबर, उसका भी आ रहा है, फिर कौन है, रोहित जिंजूर के, उनका भी नाम आ रहा है। अब नाम तो बहुत आ रहे हैं, कन्फर्मेशन अभी तक किसी का नहीं हुआ, सब लोग अप्रोच कर रहे, कम से कम 60-70 लोगों को वो लोग अप्रोच करते, उनमें से जो लोग चाहेंगे कि मुझे कम दिन रहना है वो लोग ओटीटी में आएंगे, है ना। जिन लोगों को बोलेंगे कि मुझे कम दिन का बिग बॉस करना है, जैसे कि अभिषेक को ज़्यादा दिन नहीं रहना था, अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान, उसने खुद बोला था मुझे लंबा इतना नहीं चाहिए था, जो सीज़न वाला है 100 दिन उसको नहीं रहना था, उसलिए वो कम टाइम के लिए आया था वो, है ना। तो 2 महीने का शो था ना ओटीटी 2, तो उसके लिए वो आया था, उन लोगों को ज़्यादा दिन नहीं रहना था, इतना दिन रहना मुश्किल है वहाँ पर। तो और एक्सटेंड भी नहीं हुआ सीज़न इस बार, है ना, सीज़न तो एक्सटेंड भी नहीं हुआ क्योंकि कुछ शो में था ही नहीं, है ना, शो में कुछ खास था नहीं इस बार का 17 जो सीज़न था। फ्लॉप नहीं हुआ, बस टीआरपी हाई हुई, पर उस लेवल का टीआरपी नहीं गया जो चाहिए था, क्योंकि अब दोस्तों बिग बॉस पहले का जैसा वो नहीं रहा। अब सलमान सर जो है वो होस्टिंग भी उस तरह के नहीं करते वो, है ना, उनका है जल्दी काम ख़त्म हो बस निकल जाए, बस हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, और साथ साथ हर साल उसकी टीम भी बदलती है, क्रिएटिव टीम बिग बॉस की, है ना, और उनको थीम अलग होता है, क्योंकि वो लोग शायद नहीं चाहते कि जो झगड़ा होता था पहले के सीजन्स में, जिस लेवल का जो सीज़न 13 में हुआ था वायलेंस, फिर वो करण कुंद्रा वाला हुआ था 15 में, कुछ हुआ था ना वो करण कुंद्रा ने किया मारा, उमर रियाज वाला झगड़ा, तो वो लोग शायद नहीं चाहते कि वो झगड़ा वायलेंस दिखाया जाए, है ना, क्योंकि बहुत लोग जो है बिग बॉस को बोल रहे हैं बिग बॉस देखने से लोग इंसान वायलेंट हो जाता है, वायलेंस हो जाता है। तो शायद इसी वजह से क्रिएटिव टीम जो है इस बार, वो लोग नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो ज़्यादा घर में, है ना, लड़ाई झगड़ा कम रहना चाहते, ताकि लोग जो देखे वो लोग वायलेंस का शिकार ना हो जाए, है ना, फिर लोग देख देख के वायलेंस करेंगे अपने घर में ये सब देख के, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बिग बॉस का। फिर तो वो लोग नहीं चाहते शायद झगड़ा हो, क्योंकि सीज़न 13 में बहुत गंदा झगड़ा हुआ था, पहले गौतम गुलाटी, प्रिंस नवला और भी बहुत सारे सीज़न से बहुत, जहाँ पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी गई थी। तो वो लोग नहीं चाहते कि इस बार, मतलब अभी आगे के सीजन्स में ऐसे हो। सलमान सर भी अब झगड़ा करना नहीं चाहते किसी से, है ना, वो उनका अब दोस्तों अब बहुत हो गया यार, बहुत सीजन्स किया है उन्होंने, मतलब इतना सीज़न करना बिग बॉस का हर साल, वो तो मतलब कम नहीं है ना।
बीच में शायद एक दो सीज़न उन्होंने नहीं किए थे बस। तो अब इनके नाम आ रहे हैं दोस्तों, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना बोल के एक एक्ट्रेस है, उनका भी नाम आ रहा था। वो तो शादी करने वाली है बिग बॉस में, क्या करिए आके खामखा अपना ज़िंदगी बर्बाद, मतलब घर परिवार संभालो, जाओ शादी करो, क्या करना है पर, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर शिजान खान, जीशान खान जो भी है नाम आ रहे हैं, विकी जैन को भी अप्रोच किया गया पर वो नहीं आएंगे, है ना। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है शो, OTT3 क्या होगा, फ्लॉप होगा कि हिट होगा, क्योंकि 17 तो उतना लेवल खो नहीं पाया। अब दोस्तों 17 के जो कुछ कुछ चैनल्स है यूट्यूब, वो तो अभी भी मुनावर के पीछे ही पड़े यार। शो ख़त्म हो गया यार, अब वो जीत गया है, म्यूज़िक वीडियो बना रहा है, हिना खान के साथ भी पोस्टर आया है उसका, छोड़ो भाई क्या यार, हो गया है ख़त्म उसका, अब क्या है ना। अब भाई इलेक्शन आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, है ना, इंडिया का, बताइए कौन बनेगा। एक तरफ बोल रहे अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरफ बोलते हैं जॉब नहीं मिला किसी को, एक तरफ किसी को बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए जॉब नहीं मिल रहा है, एक तरफ बोलता है जो हमारे जो सामान है, क्या बोलते हैं, जो हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ किसान आंदोलन है, एक तरफ बोलता है हमें वो लैंड चाहिए सबको, आप खाली तरफ खालिस्तान चाहिए, एक तरफ उसको किसी को मंदिर चाहिए तो किसी को मस्जिद चाहिए, कि लड़ाई चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, है ना। तो क्या ही करे भैया, है ना, कौन इलेक्शन जीतेगा किसी को पता नहीं, है ना, किसको पता नहीं वोट में क्या होगा, है ना। जैसे पाकिस्तान को मैंने बता दिया था शहबाज शरीफ है। रही बिग बॉस की दोस्तों, अब बिग बॉस का क्या किया जाए, OTT3 का आप ये बताइए, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट लाया जाए दोस्तों जैसे कि शो देखने में मज़ा आए, नहीं तो फिर 17 जैसा ही हालत होगा, आप लोगों को झेलना पड़ेगा हर रोज़ मुझे भी रिव्यू देते हुए शो को भी, है ना। तो कोशिश यही जारी रहेगा कि कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स आए OTT3 में, नहीं तो OTT2 का जो नाम हुआ था एक लेवल पर गया था भैया, क्या शो हुआ था वो, 24 घंटे लाइव देख रहे थे सब लोग, कोई लाइव नहीं छू मतलब ऑफ कर रहा था उस दिन जब OTT2 आया, इतना ट्रैफिक व्यू गया उनका। तो OTT3 क्या होगा पता नहीं भैया, देखते हैं ना। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी, बट जो सच्चाई है मैं सच बोलता हूँ, OTT3 जल्दी शुरू होने वाला है, शायद जून IPL ख़त्म होती ही शुरू होगा, IPL शायद ख़त्म होते ही शुरू करेंगे ये लोग, है ना। वो वर्ल्ड कप की वजह से वो लोग 17 थोड़ा डाउन गया था, कोई बात नहीं, IPL ख़त्म हो जाए तभी शुरू हो तो अच्छा है, पर सुनने में आया था मई के एंडिंग में चालू होगा, फिर जून में एक बोल रहा है ना। चलो जो भी हो अच्छा होगा, देखेंगे क्या होता है। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी, है ना, किसी को देखते क्या होता है, है ना। चलिए।